दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन विला डिज़ाइन की या कोठी डिज़ाइन की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। और अगर बात करें ये खेत में बना हुआ है जहाँ पर आपको चारों तरफ से जगह या वेंटिलेशन के लिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। चारों तरफ से मैंने यहाँ पर जगह छोड़ रखी है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके और कार पार्किंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनकर आपका रेडी है। बेहतरीन सा मॉडल आपको आज हम डिफाइन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो देखिए टोटल साइज़ है वो 60x50 फिट है जो बाउंड्री किनारे किनारे, लेकिन जो मकान बना है वो आपका बहुत ही कम जगह में बना हुआ है। तो आप घबराएं नहीं, आसानी से कम बजट में भी ये घर बन जाएगा, लेकिन जगह यहाँ पर पर्याप्त है। 60x50 फिट इसकी चौड़ाई है, 50 फिट लंबाई है, लेकिन जो मकान बना है वो आपका पोर्च को अगर मैं हटा दूं तो लगभग 35x35 में अप्रॉक्स बना हुआ है टोटल, मतलब कि 35 फिट है चौड़ाई है, 35 लंबाई, लेकिन इसमें पोर्च इंक्लूड नहीं, आगे वाला पोर्च जो बना है आगे और साइड में ये इंक्लूड नहीं है। ये 10x10 का अलग से पोर्च इंक्लूड है, तो मतलब कि 200 स्क्वायर फिट एरिया आपका और बढ़ जाएगा। तो यही पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे। बने रहो लगातार, मैं हूँ पवन झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों अगर आपने स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप सभी लोग से दोस्तों मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग चैनल पर वीडियो देख कर चले जाते हैं, ना तो वीडियो लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इतना काम ज़रूर किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए नए नए मॉडल्स, नए नए डिजाइन, बेहतरीन से मॉडल लाता रहा। तो आज का जो प्लान है ये 60x50 फिट जो एरिया है उसमें लगभग 35x35 फिट में पूरा घर डिजाइन किया है। पहले आप देख पा रहे होंगे इसमें रेलिंग का डिजाइन और बेहतरीन से ग्रिल वगैरह सब कुछ इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ, इससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए कि इसमें क्या मैंने क्रिएट किया है क्या नहीं क्रिएट किया है। आपको जो बाहर दिख रहा है ये आपका बाउंड्री, यही आपका मेन डिजाइनिंग है, और अंदर तो आपका सिंपल ही बना हुआ है, ये विंडो वगैरह सब देखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो सबसे पहले मेन डोर तो ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे पोर्च टाइप की, साइड में भी एंट्री की जगह दी है कार पार्किंग के लिए, आप सीधा कार अपना ले जाकर वहाँ पोर्च के नीचे रजिस्ट कर सकते हैं। और चारों तरफ लगभग 6x6 फिट का, ये देखिएगा चारों तरफ 6 फिट का, तीनों साइड लगभग बालकनी, इस साइड ज़्यादा बड़ा बालकनी है, पीछे भी 6 फिट आपकी जगह छूटी हुई है और साइड में भी आपकी 6 फिट जगह छूटी, आगे पोर्च एक बड़ा सा और इस साइड आपका बेहतरीन सपोर्ट। तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको मैं ले चलता हूँ। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिए प्रॉपर तरीके से आप ग्राउंड फ्लोर देख पा रहे होंगे, आप पूरा मकान आप देख पा रहे होंगे, चारों तरफ जगह भी छूटा हुआ है। ये टॉप व्यू आप देख ले, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो मैं फिर आपको समझाता हूँ इस घर में एंट्री वगैरह कहाँ से है। तो मेन एंट्री आपके घर की दोस्तों ये है, ये बेड दरवाज़ा पोर्च के माध्यम से होगी, 4 पिलर हैं, बीम है जिससे पोर्च मैंने डिज़ाइन किया है, दोनों तरफ बेडरूम है इसलिए मैंने विंडो दे रखी है। तो आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आप बड़े से हॉल में एंट्री कर जाते हैं। इसके बाद दोनों कॉर्नर जो पीछे हैं उस पर आपके 2 बेडरूम बने हैं, ये आपका एक लेटन बाथ ऐसे आप बना सकते हैं या किचन बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ये आपकी स्टेयर्स हैं जिससे ऊपर जाएंगे और टर्न होकर वापस आएंगे, ये एक स्पेस और मिल जाता है, इसे आप लेट बाथ या किचन जो भी आपका मर्जी करे वो बनाएं। और इस तरफ ये जो जगह आपकी छोड़ के इधर इस तरफ वाला जो पोर्च है आपका, तो आप यहाँ इस वाले जगह जाएंगे तो इस पोर्च में कार पार्किंग की आप एंट्री कार पार्किंग खड़ी कर पाएंगे। यहाँ से भी मैंने एक डोर दिया है इस साइड से भी जिससे आप एंट्री कर पाएँ। और चारों तरफ विंडो, जहाँ जहाँ बेडरूम है 2-2 विंडो दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, और बीच में बड़ा सा हॉल आपका लगभग बहुत बड़ी जगह बच जाती है तो आप बीच में जाल रखवा सकते हैं और वेंटिलेशन के लिए हालांकि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि चारों तरफ जगह मैंने ऑलरेडी 6x6 फिट छोड़ रखी है। आप चारों तरफ अपनी 4 व्हीलर कहीं भी खड़ी कर सकते हैं क्योंकि जगह पर्याप्त है। ये जो एरिया कंस्ट्रक्शन हुआ है ये लगभग 35x35 में कंस्ट्रक्शन हुआ है और लगभग 10x10 का ये एक पोर्च इधर है, 10x10 का इधर है, तो ओवरऑल 200 एरिया और आपका बढ़ जाएगा और 35x35 का एरिया और। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई जो मैंने बताया, आप बेहतरीन सा ग्राउंड फ्लोर आपका बनकर रेडी हो जाता। मैं आपको और जूम कर दूँ जिससे आपको रियलिस्टिक व्यू दिख सके। ये पिलर दोस्तों सपोर्ट के लिए हैं क्योंकि जो छज्जा निकला काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, इसलिए सपोर्ट के लिए पिलर मैंने आगे दिए हैं जिससे प्रॉपर तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर अब हम आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर से पहले सबसे पहले चारों तरफ मैंने ग्रिल देखिएगा बनाया है, चारों तरफ ग्रिल,
जो पोर्च था उस पर भी लगभग 3 फीट का चारों तरफ ग्रिल है, और उसमें जो ग्रिल का मैंने इस्तेमाल किया उसमें राउंड और स्क्वायर दोनों तरीके के ग्रिल बनी हुई है। साइड में देखिएगा प्रॉपर तरीके से आप ग्रिल देख पा रहे हो पीछे आगे चारों तरफ, और अंदर का जो मॉडल है बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी चेंजमेंट मैंने नहीं किया है। 4 बेडरूम नीचे थे, 4 ऊपर हैं, और यहाँ पर ये किचन, ये मैंने स्टेयर्स की जगह यहाँ पर एक लेटन बाथ और क्रिएट कर दिया है, लेकिन अगर आप इसे हटा सकते हैं क्योंकि आपको स्टेयर्स और ऊपर जाना होगा तो आपका ये वाला एरिया हट जाएगा, मतलब सिमिलर बिल्कुल नीचे जैसा ही है, बस चारों तरफ 3 फुट का बाउंड्री हो गया है। इसमें प्रॉपर तरीके से घर का देखिए डिजाइन और लुक बिल्कुल आपका डिफरेंट और बेहतरीन सा एक कोठी नुमा देखने को मिलता है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर भी चारों तरफ बाउंड्री ही किया है मैंने, जो नीचे बाउंड्री थे सिमिलर, बाद बाकी कुछ भी गुमटी वगैरह मैंने डिजाइन नहीं की है। ये पूरा प्रॉपर तरीके से एक विला जिसे बोल सकते हैं या कोठी डिजाइन बोल सकते हैं, बेहतरीन से आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है। तो ये मॉडल या वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।